मोदी राज में बनाए गए हाईवे ब्रिज और एयरपोर्ट को टूटते और खराब होते आपने देखा ही होगा, पर इस बार आपको देश के न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीर बता रहे हैं, जहां इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के महज एक साल के बाद वाटर लीकेज प्रॉब्लम शुरू हो गई है और साथ ही थोड़ी सी बारिश में पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस पर पानी जमा होने की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इससे पहले कुछ ही महीने पहले इनॉग्रेशन की गई राम मंदिर से भी वाटर लीकेज के वीडियोस वायरल हो रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस एमपी मणिकर्ण टैगोर ने वाटर लीकेज का वीडियो ट्वीट कर इस शर्मनाक मंजर पर नाराजगी जाहिर की है और समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने भी वीडियो पोस्ट कर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। इन तस्वीरों में आप बीजेपी का डेवलपमेंट देख सकते हैं।